देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। निकायों में डिग्री डिप्लोमा वालों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी आदि में काम दिया जाएगा। एसीएस उच्च शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा को भेजा गया पत्र। निदेशक नगर निकाय नेहा शर्मा ने पत्र भेजा। इच्छुक लोगों को पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण। पंजीकरण के बाद इंटर्नशिप के लिए कर सकेंगे आवेदन। निकायों में डिग्री डिप्लोमा वालों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। स्वच्छ भारत मिशन, राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार काम कर रहे मजदूरों पर चढ़ी। हादसे में काम कर रहे मजदूर का पैर कटा। हादसे में ठेकेदार भी गंभीर रूप से घायल हुए, बड़ी खबर बता रहे हैं। शहीद पथ पर मजदूर काम कर रहा था, बड़ा हादसा हुआ जिसमें मजदूर का पैर कट गया है। इन्वेस्टर समिट के लिए काम कर रहा था मजदूर। राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार काम कर रहे मजदूर पर चढ़ी। हादसे में काम कर रहे मजदूर का पैर कटा। हादसे में ठेकेदार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शहीद पथ पर मजदूर काम कर रहा था। बता दें, इन्वेस्टर समिट के लिए काम कर रहा था मजदूर। साल पहले 100 रुपए घूस लेने का मामला, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। घूस लेने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 1 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। सीबीआई एंटी करप्शन कोर्ट ने सजा सुनाई है। क्लर्क आरएन वर्मा घूस लेते गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद सजा सुनाई गई है, बड़ी खबर आपको बता रही है। 7 अगस्त 1991 की मुकदमा दर्ज हुआ था। अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 40 ट्रक और 1 जेसीबी सीज किया है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अछनेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कानपुर एक्सप्रेसवे के लिए बंथरा से काम शुरू हुआ, बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे। बनी से बंथरा तक डिवाइडर तोड़कर पिलर का काम शुरू किया गया है। गौरी बाजार से स्कूटर इंडिया के बीच अतिरिक्त लेन बनेंगी। एक्सप्रेसवे उन्नाव की 31 गांवों और लखनऊ के 11 गांवों से गुजरेगी। लखनऊ से कानपुर के बीच 50 मिनट में पूरा होगा सफर। केंद्र व प्रदेश के मंत्री जिलों में बजट की खूबी बताएंगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार और संगठन मिलकर बजट की बारीकियों का बखान करेंगे। पदाधिकारी जिले में सामाजिक समूहों को समझाएंगे बजट के लाभ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लखनऊ में करेंगे संवाद। किरण रिजिजू वाराणसी और नित्यानंद राय आगरा में संवाद करेंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।